हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको सी एस ए एस पी जी का फॉर्म कैसे फिल करना है। ये फॉर्म है सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका एफिलेटेड कॉलेज है आई जी आई पेस, जहाँ पर बी पी एड एम पी एड कोर्स होते हैं। तो बी पी एड एम पी एड का सी एस फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, ये सी एस पी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं, पी जी एडमिशन डॉट ई ओ डी डॉट ए सी डॉट इन। यहाँ पर आपको आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ये आपको दिख रहा है, इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, राइट साइड में देखिए ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आपको फिल करनी है। उससे पहले यहाँ देख सकते हैं आपकी फीस कितनी होगी। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो 250, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो आपकी 100 रुपीज़ फीस होगी फॉर्म की। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट डेट क्या है, 10th अगस्त 2023 है, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डिटेल्स पूछी जा रही है, जैसे सी यू ई टी पी जी एप्लीकेशन नंबर, आपने जो सी यू टी का एग्जाम दिया था उसके एप्लीकेशन नंबर, आपका फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, दोबारा से ईमेल लिखना है, फिर एक पासवर्ड खुद से बनाना है आपको, जिसमें मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो पासवर्ड बना लीजिएगा कोई ठीक ठाक सा जो आपको याद रहे, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है, उसके बाद कैप्चा कोड करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी ये वाला स्टेप फिल करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ। ओटीपी सबमिट करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसी पेज पर आकर के लॉगिन करना है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने ये लॉगिन पर क्लिक किया, और लॉगिन पर क्लिक करने का अब क्या आ रहा है, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। आपको अपना सी यू टी का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और पासवर्ड जो अभी फर्स्ट स्टेप में अभी अभी अपने नया पासवर्ड बनाया है वो वाला पासवर्ड लिखना है, कैप्चा कोड लिखना है, और लॉगिन कर देना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने का अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ नीचे सारी चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहले हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, तो प्रोफाइल पर मैंने क्लिक कर दिया। अब प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ये कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं, स्टूडेंट नेम, एप्लीकेंट जेंडर या वगैरह वगैरह जो भी पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो मैं वन बाय वन फिल करता चलता हूँ। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट में इश्यू हुआ वो लिखना है आपको, कौन से स्टेट का है वो लिखना है, एनुअल इनकम क्या है, और आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, एक नंबर भी होता है ना। जनरल कैटेगरी के लिए ये सारी चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। ये एप्लीकेट रजिस्टर्ड ईमेल, और यहाँ पर एक दूसरी ईमेल आपको लिखनी है, यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ रहते हैं आप ये लिख दीजिएगा, आप ऑर्फन हैं या नहीं, यस या नो, तो नो करना है, नहीं तो यस करना है, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे, रहे तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। वार्ड कोटा का आपको बेनिफिट लेना है नहीं, मतलब है या नहीं, तो नो करना है। और अगर आप हैं, आपका कोई पेरेंट्स वगैरह कोई जॉब करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, परमानेंट एम्प्लॉई है, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन नहीं है तो नो कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद कुछ फैमिली डिटेल्स है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मदर के ऑक्यूपेशन क्या है, फादर के ऑक्यूपेशन क्या है, मदर मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, चाहे तो एक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और फैमिली की ओवरऑल इनकम क्या है, इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी लिखे वो लिख देना आप यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरे कोटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप सी डब्ल्यू कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, और पी डब्ल्यू डी तो होता नहीं है बी पी एड एम पी एड कोर्सेज के लिए, तो इसको तो आपको नो ही करना है, नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस होगा, और एड्रेस पूरा सही से लिखने के बाद, अगर आपका एड्रेस परमानेंट और अभी जहाँ रह रहे हैं वो सेम है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो दोनों अलग अलग लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको अपने कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, ताकि अगर कभी फ्यूचर में कुछ रिफंड करना हो आपको, तो इस अकाउंट नंबर पर रिफंड किया जा सके। हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इजीली रिफंड हो नहीं पाता है, लेकिन आप अगर सही से चीज़ों को फॉलो करें तो रिफंड हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी अगर इन केस आपको जरूरत पड़ती है। तो ये डिटेल्स देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये सारी डिटेल्स मैं जल्दी जल्दी फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर कर देता हूँ। एक एक चीज़ लिख करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने बता दिया है क्या फिल करना है, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट स्टेप पर आ गया हूँ। यहाँ पर जो मैंने फिल किया था फर्स्ट स्टेप का, वो सारी डिटेल्स लिखी हुई आ रही है, आपको उसके बाद पढ़ना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इफ़ यू विश टू अप्लाई इन स्पोर्ट्स सुपर न्यूमेरिक कोटा, क्लिक अपडेट डिटेल्स। अगर स्पोर्ट्स सुपर न्यूमेरिक डेटा में आप अपडेट वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपडेट डिटेल्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स का जो सुपर न्यूमेरिक कोटा होता है वो फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज में बीपीएड एमपीएड में होता नहीं है, है ना। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अपडेट डिटेल्स पर अगर क्लिक करते तो क्या लिखा हुआ था।
यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ था कि कौन से स्पोर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, यस और नो करना था, तो नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यस करते हैं तो फिर कौन से गेम है आपका, मान लेते हैं कि एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स पर कर दिया, फिर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हमें क्या करना है, वापस जाएंगे इसी स्टेप पर और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि वो अप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक करना है, अपडेट डिटेल्स पर क्लिक नहीं करना। तो मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ भी आपको इजीली मिल जाएंगी, कैसे कैसे आपको बनाना है, कैसे नहीं बनाना है आईडी को। बाकी आप यहाँ माई अकाउंट पर जा करके स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर, मतलब ये तो तब देंगे जब आप साइन अप करेंगे, तो नीचे जाके साइन अप कर देंगे पहले। फिर साइन अप करके डिटेल्स देंगे, फुल नेम देंगे, एक ओटीपी जनरेट करेंगे और ये सारी डिटेल्स करके वेरीफाई करके आगे कर देंगे। तो बहुत आसान है, बहुत सारी वीडियोस आपको बहुत इजीली यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, यूजीसी के चैनल पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप बना ही लेंगे। मैंने क्या किया है, स्टूडेंट की जो एबीसी आईडी है वो लिखा, गैप ईयर इसका था, यस कर दिया, पासपोर्ट है या नहीं तो नो कर दिया, 7X पर अब क्लिक कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 7X पर क्लिक किया। अब 7X पर क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये अब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जैसे आपका फोटो, सिग्नेचर, CUET का रिजल्ट, और OBC का है स्टूडेंट तो OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ मतलब क्लास 10th की मार्कशीट, ये सारे आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी ये सारा कर देता हूँ। सबमिटेड लॉग पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने बॉक्स आ गया। यहाँ पर क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है, क्लिक करके कन्फर्म एंड लॉग। अब कन्फर्म एंड लॉग क्लिक करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा रहा है सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वॉन्ट टू अप्लाई, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, BPED, MPED जो भी है, स्टूडेंट का BPED है, BPED पर क्लिक किया। तो BPED पर क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री रिकग्नाइज फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्योंकि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो भाई है। अब आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज है, प्रेफरेंस क्या होगा आपका, फर्स्ट प्रेफरेंस यही है, क्योंकि देखिए एक ही जगह है, फिजिकल एजुकेशन का एक IGI ही है सिर्फ, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को सेलेक्ट कर देना है और फिर प्रोसीड कर देंगे। तो मैंने प्रोसीड कर दिया, प्रोसीड करके फिर से नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। अब क्या करना है, इसको देख करके एक बार नेक्स्ट कर देना है। अब मैंने नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने के बाद अब क्या है, स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पास्ट है या अवेटेड है, तो पास्ट कर देंगे, जिसका अवेटेड है वो अभी अवेटेड पे ही क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन से ईयर में किया है, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो सबसे नीचे अदर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। तो स्टूडेंट की नहीं है तो अदर पर क्लिक कर दिया। इसने CCSU से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो CCSU लिख दिया, आपने जहाँ से किया हो वहाँ से कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री क्या था, स्टूडेंट ने BA किया हुआ था, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या थे वो लिख देंगे यहाँ पर। पास डिवीजन, तो ये स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन से पास हुआ था। किस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ कर दिया। पिन कोड क्या है, उसके बाद सेलेक्ट ईच टर्म इन विच यू हैव अपीयर्ड इन योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड एंटर द परसेंटेज मार्क्स ऑफ एवरी सेमेस्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेमेस्टर वाइज सेलेक्ट करना है और हर सेमेस्टर का लिखना है, तो अगर ईयरली है तो आपको ईयरली का 1 मान के और ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसका ईयरली था तो मैं ईयरली करके जल्दी जल्दी ये करके 7X पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप पर अब आपको क्या करना है, एकेडमिक डिटेल्स, पहले ये सारी चीज़ें देख लीजिए, जो भी अभी एकेडमिक डिटेल है जो आपने भरी हो सही है या नहीं है, स्टूडेंट की मैंने भरी है तो ये इतनी आई है। अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा, अपडेट करना हो तो अपडेट कर दीजिएगा आप। तो नेक्स्ट स्टेप अब ये आ गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑलरेडी हो ही चुके हैं। इसके अलावा 2 चीज़ और बची हुई हैं, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन के अलावा आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, मतलब स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन में जो भी किया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट प्लस क्वालिफाइंग डिग्री। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप पर हम आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्या पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अपलोड हैं, जो अपलोडेड नहीं है वो क्या है, माइग्रेशन भी बचा हुआ है और आपका जो ग्रेजुएशन है मतलब क्वालिफाइंग डिग्री है उसकी मार्कशीट आपको फाइनल ईयर की प्लस जो आपकी डिग्री है वो दोनों एक ही फाइल में अटैच करके और फिर एक सिंगल फाइल बना करके ये अपलोड करनी है आपको। अब अगर किसी के पास नहीं है, मान लेते हैं अगर आप रिजल्ट अवेटेड करते तो ये वाली चीज़ आपसे मांगी नहीं जाती। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने पास किया हुआ है कि पास्ट है। अब पास्ट है तो क्या करना होगा, माइग्रेशन भी मान लेते हैं नहीं है, पास तो है लेकिन माइग्रेशन नहीं, तो अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। अब ये अंडरटेकिंग आपको कहाँ मिलेगा,
वो मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी आपकी ग्रेजुएशन का अगर फाइनल वो नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, डिग्री अभी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि डिग्री प्रोविजनल अगर बन सकती है तो प्रोविजनल बनवा के लगा दीजिए, और अगर वो भी नहीं बन पा रही है तो अकेले आप फाइनल ईयर की मार्कशीट भी अभी के लिए लगा, बाकी रिजल्ट अवेटेड है, तब तो आपसे मांगा ही नहीं जाता। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको अंडरटेकिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। ये देख सकते हो आप, ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग है। या कहाँ मिला है मुझे? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है सीसीएस पीजी का, वहां पर पेज नंबर 53 के ऊपर है, तो आप इसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या है, इसको प्रिंट कराइए और प्रिंट करा के हाथ से भरिए इसको, या चाहे आप इसको वैसे भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करके और यहाँ पर अपने सिग्नेचर लगा करके इसको अपलोड कर देना। तो स्टूडेंट्स, ये सब मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करके मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्म आपके सामने खुल करके आ रहा है। ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का कहीं ऑप्शन नहीं आया है, और ना ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन आया है। तो ऐसा हो सकता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ऑफलाइन ही फिर चेक करें। वैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जब फॉर्म फिल किया गया था तो तब मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत थी, लेकिन अभी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हम ये सारा देख ही लिया है, पे फी पर क्लिक कर देंगे। पे फी पर क्लिक किया, पे फी पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स फिर से लिखी हुई आ गई। यहाँ पर बॉक्सेस पर टिक कर देना है, ये मैं सारे बॉक्सेस पर टिक कर देता हूँ। इसमें देख पढ़ भी लेना आप एक बार कि मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं। तो टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे पर जाएंगे। पेमेंट गेटवे पर जाने के बाद क्या होगा, आपको अमाउंट पे करना है, कितना, 250। ये कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आता है तो इसको 250 करना है, अगर कोई एससी एसटी में आता है तो उसको 100 करना होता। ठीक है, तो मैं क्यूआर कोड से प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देता हूँ यूपीआई से, और मैं इस स्टूडेंट का 250 पे कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट का क्या हो गया है, पे कर दिया गया है। पे करने का तब क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट का क्या है, सारी डिटेल्स आ गई हैं, आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स, स्टेट में पे किया गया, स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन सबमिटेड। अभी यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट कर देंगे, एक्शन पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, ये बाद में लिखा हुआ आएगा, जबकि आपका एडमिशन वगैरह का समय होगा ये, तब यहाँ पर एक्शन आएगा लिखा हुआ, अभी नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर दिया और ये जो स्टूडेंट का पूरा फॉर्म खुल करके सामने आ गया है। ठीक है, तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैंने आपको बता दिया है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट से लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।